नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 9 भारत और मैं हूं आपके साथ अशोक चौहान। देश और दुनिया की तमाम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। आजमगढ़ बिलैयागंज स्थानीय थाना क्षेत्र के इमलीपुरा निवासी एक महिला के बैंक खाते में से साइबर माफिया द्वारा रुपया 25,000 उड़ा दिया गया, जिससे उक्त महिला के हिज उड़ गए। जानकारी के अनुसार इमलीपुर गांव निवासी सफीकुन निशा पत्नी स्वर्गीय शमशाद अहमद का बिलैयागंज बाजार के इलाहाबाद बैंक में खाता है। बृहस्पतिवार को सफीकुन के मोबाइल पर किसी व्यक्ति ने फोन करके कहा कि मैं बैंक मैनेजर बोल रहा हूँ, आपका एटीएम कार्ड बंद होने वाला है जिससे आपका पैसा भी बर्बाद हो जाएगा, अतः अपना पैसा बचाने के लिए अपना एटीएम नंबर बताकर नया एटीएम बनवा लीजिए। इतना सुनने के बाद ही जैसे इस महिला ने अपना एटीएम और पिन कोड नंबर बताया, उसके बाद उसके बैंक अकाउंट से पैसा निकलने लगा, जिसका मैसेज उसके मोबाइल पर आने लगा। अपने बैंक खाते से पैसा निकलने का मैसेज देखकर वो महिला घबरा गई और भागकर बिलैयागंज इलाहाबाद बैंक ब्रांच पहुंची, जहां उसे पता चला कि उसके खाते से साइबर अपराधी पैसा निकाल रहे हैं। उसने तुरंत अपना एटीएम कार्ड बंद कराकर बिलैयागंज थाने पहुंची, जहां उसने पुलिस को एक लिखित प्रार्थना पत्र देकर न्याय की गुहार लगाई। प्रार्थना पत्र लेने के बाद पुलिस घटना की जांच कर रही है। बिलैयागंज से रोशन लाल की रिपोर्ट। इस समय मौजूद हैं आजमगढ़ जिला के बिलैयागंज थाने पर, जहां एक महिला के बैंक खाते से पैसा निकाल लिया गया है। न्याय की गुहार लगाने बिलैयागंज थाने पहुंचे हैं। आइए हम सीधे जानते हैं मामला क्या है। क्या नाम पड़ेगा आपका? आपका घर कहाँ है, क्या हुआ आपके साथ, कैसे आपका पैसा निकल गया आपके खाते से? 10 बजे हमारे पास 10:55 पे फोन किया हमारे मोबाइल पे, फोन करके वो बोला कि आपका एटीएम बंद हो रहा है, हम बैंक मैनेजर बोल रहे हैं पंकज कुमार, आपका एटीएम बंद हो रहा है, अपना एटीएम चालू कराने के लिए आप अपना नंबर बता दिए नहीं तो आपका सब पैसा कट जाएगा। तो मैं सोची मेरा पैसा कट जाए, इसीलिए मैंने एटीएम का नंबर बता दी और कुछ कुछ मुझे मैसेज भेजकर और नंबर छाको का पूछ कर वो मेरा पैसा निकाल दिया। आपको कैसे पता चला कि आपका पैसा निकल गया? अपना जब अकाउंट चेक करी तो मुझे पता चला कि मेरा पैसा निकल गया। इसके बाद आपने क्या किया? आपने थाने पर भी केसन दिया है? हाँ। क्या बताए साहब? साहब तो बोल रहे हैं कि ये मिलना नामुमकिन है, किसी का नहीं मिल रहा। तो अब आप क्या करेंगी? अब क्या करेंगे, मतलब अपने पैसे के लिए कहीं ऊपर जाएंगी या मतलब कि खामोश हो जाएंगी? नहीं, हम खामोश नहीं होंगे, हमारा पैसा नहीं चाहिए। न्यूज 9 भारत के लिए बिलैयागंज से रोशन लाल।